मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला विदिशा से आया है। वार्ड 18 तलैया मोहल्ले के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज खींची अपने समर्थकों के साथ हेलमेट पहनकर जनसंपर्क कर रहे थे। दरअसल नेता को सोशल मीडिया पर वार्ड में चप्पल जूतों से स्वागत करने की धमकी मिली है। इससे घबराए प्रत्याशी हेलमेट पहनकर मंगलवार शाम कलेक्टर से मिले और शिकायत की। प्रत्याशी मनोज खींची का कहना है कि सोशल मीडिया पर वार्ड के सचिन तिवारी ने अपशब्द कहे हैं। सचिन तिवारी ने कहा, यदि वार्ड में आना है तो हेलमेट पहनकर आना, नहीं तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाएगा। इसकी शिकायत कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से की है। उन्होंने आवेदन लेकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। खींची का कहना है कि शुरुआत में ही इस प्रकार से धमकी मिल रही है, इसलिए पहले सुरक्षित होना जरूरी है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हेलमेट पहनकर जनसंपर्क कर रहा हूं। शिकायती आवेदन देने पहुंचे वार्डवासी मोकम सिंह का कहना है कि हमारे प्रत्याशी मनोज खींची को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिल रही है। सचिन तिवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जिस पार्षद का चुनाव जीतने के बाद कभी फोन नहीं उठा हो, वार्ड के लोग ही जिसे भूल गए हों, जिसने वार्ड में कभी कोई विकास कार्य नहीं करवाया हो, जिस वार्ड में विकास के लिए लोग ही आंदोलन करते रहे हो, पार्टी ऐसे प्रत्याशी को फिर से मैदान में उतार दे तो ऐसे प्रत्याशी के साथ क्या किया जाना चाहिए। एक और पोस्ट में लिखा, वार्ड 18 के पार्षद महोदय फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हेलमेट और सुरक्षा के अन्य इंतजाम करके ही वोट मांगे, क्योंकि वार्ड की जनता तुम्हारे स्वागत के लिए जूते लेकर खड़ी है। कारण पार्षद महोदय खुद जानते हैं कि वार्ड के लिए उन्होंने क्या किया है। शहर के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से मनोज खींची पार्षद पद के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। मनोज खींची की पत्नी पहले पार्षद थी, फिर इसके बाद मनोज खुद पार्षद रहे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। वार्ड 18 के तहत आने वाले तलैया मोहल्ला के लोगों का कहना था कि मनोज खींची कभी भी वार्ड में नहीं आए और ना ही लोगों की समस्याओं का हल किया, जबकि पार्षद का काम होता है वार्ड वासियों की समस्याओं का निराकरण करें, लेकिन खींची ने तलैया मोहल्ले में कभी ध्यान नहीं दिया। वही खींची का कहना है कि उन्होंने वार्ड में काफी काम करवाए हैं।